ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान को मिली हुई कामयाबी, सफलता या खुशी में अपने परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। परिवार दुनिया का मात्र एक ऐसा शब्द है जो हर आत्मा को खुशी, सुरक्षा और विश्वास प्रदान करता है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना हर दिन त्योहार की अनुभूति कराता है, क्योंकि जिस तरह जहाँ जहाँ प्रकाश होता है वहाँ वहाँ सूर्य की किरण जरूर होती है। उसी तरह जहाँ प्रेम होगा वहाँ परिवार जरूर होगा। परिवार उस वक्त खत्म हो जाता है जब एक इंसान अपनों को गिराने की प्लानिंग गैरों से लेता है। एक परिवार में पिता ज्ञान की खान तो माँ ममता की मूरत और भाई घर की जान तो बहन घर का सम्मान होती है। इन सभी का घर में नहीं होना दुर्भाग्य की बात होती है। एक समय की बात है, एक लड़की और उसके पापा नदी को पार कर रहे थे। धीरे धीरे नदी का बहाव तेज हो रहा था। बेटी ने पापा का हाथ कसके पकड़ रखा था। जैसे जैसे दोनों पापा और बेटी नदी में आगे चलते जा रहे थे, वैसे वैसे नदी का बहाव तेज होता जा रहा था। बेटी बोली, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा बोला, बेटा आप मेरा हाथ पकड़ो चाहे मैं आपका हाथ पकड़ूं, बात तो एक ही है। आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, चिंता मत करो, बस हाथ छोड़ना मत। बेटी बोली, बस पापा यही तो फर्क है, मैं आपका हाथ छोड़ सकती हूँ लेकिन कितनी भी मुसीबत हो आप मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते। एक दिन पिता अपने बेटे को पतंग उड़ाना सिखा रहे थे। जैसे जैसे पतंग आसमान की तरफ ऊंची ऊंची उड़ रही थी, वैसे ही बेटा बहुत खुश हो रहा था। कुछ देर बाद जब पापा की पतंग आसमान में ऊपर की तरफ नहीं जा रही थी तो बेटा जोर से चिल्लाया, पापा यह धागे की डोर पतंग को ऊपर नहीं जाने दे रही है, आप इस धागे को काट दो, तब यह पतंग बहुत ऊंची उड़ जाएगी। पिता ने एक क्षण बाद पतंग की डोर को हंसते हुए तोड़ दिया, लेकिन पतंग तो नीचे आ गई। यह देखकर बच्चा बहुत हैरान हुआ। उसके बाद पापा ने समझाया कि बेटा जिंदगी का सार भी यही है, हम जब किसी मुकाम पर होते हैं ना, तब हमें भी ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई हमें ऊपर उठने से रोक रहा है, जैसे हमारा घर परिवार, माँ बाप, रिश्तेदार आदि, और हम पतंग की डोर की तरह आज़ाद होकर वापस नीचे गिरना चाहते हैं। अगर तुम भी अपने परिवार रूपी डोर से दूर भागोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो दोस्तों ये थी एक कहानी। आप इस कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर आपको कुछ इस कहानी से सीख मिली हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z Story को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।